नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता तोड़ो। विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्यक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे विष्णु खरे जी की ही सत्यक कविता का ही दूसरा भाग है तोड़ो। तो इस कविता के माध्यम से विष्णु खरे जी मनुष्य के मन में उत्साह और ऊर्जा भरना चाहते हैं। मनुष्य के उदास मन को और निराशा भरे मन में एक आशा की किरण डालना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये धरती ये चरती पड़ती तोड़ो। सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पिसेगी बीज को। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, रस का अर्थ होता है सुख या आनंद। ऊब का मतलब होता है नीरसता, बंजर या जिस धरती पर कुछ नहीं उगता है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रसंग क्या होगा। तो इसका प्रसंग होगा कि यह कवितांश, कवितांश का अर्थ होता है कविता का अंश, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित तोड़ो नामक कविता, तोड़ो नामक कविता के अंश से सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी काव्य परंपरा के कवि रघुवीर सहाय जी मानव मन को उद्बोधित करते हुए लोगों का आह्वान करते हैं कि जैसे वे चट्टान बंजर भूमि को तोड़कर रसमयी बना देते हैं, उसी प्रकार मानव मन में उपजी ऊब और खीज को भी तोड़ डालो। कवि आह्वान करते हुए लिखता है, कवि लिखता है कि जैसे हम एक बंजर भूमि को अपनी मेहनत से और परिश्रम से उसको हरी भरी कर देते हैं, उसमें रस भर देते हैं, उसी प्रकार से अपने जो मन है, जो मन ऊब चुका है, जो खींच चुका है, जो दुनिया से उठ चुका है, ऐसे मन में भी हरियाली भरो। मानव के मन में भी उसी प्रकार से हरियाली भरो। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मार्ग में आने वाली चट्टानों पत्थरों की शिलाओं को तोड़ डालो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कहते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चट्टानों पत्थरों और शिलाओं को तोड़ डालो, क्योंकि ये सभी बंधन बाधाएं मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए इन्हें तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। धरती की वास्तविकता भी इन बंधनों को तोड़ने पर ही प्रकट होती है। प्रायः सुनने में आता है कि अमुक भूमि में बड़ा रस है, यानी उस भूमि वह भूमि बहुत उपजाऊ है या उसमें बहुत रस है। तो धरती में रस होने का कारण धरती पर घास दूब वगैरह उगती है। धरती का रस घास दूब में समा जाता है, तभी तो घास दूब उगती है। जब धरती का रस घास दूब वगैरह उगती है ना किसी भूमि पर, एक तो बंजर भूमि होती है बिल्कुल, जहाँ पे पहाड़ पत्थर होते हैं उस भूमि पर कुछ उगता ही नहीं है। एक भूमि ऐसे होती है जिस पर हरियाली रहती है, जिसमें घास दूब वगैरह उगी हुई होती है। तो धरती का जो रस होता है, जो पोषण वाला जो मिनरल्स उसके अंदर होता है, उससे घास और धूप उगती है। तरह कभी धरती हमें बंजर दिखाई देती है, घास और धूप उगती है, तो धरती का रस घास धूप में समा जाता है, तब घास धूप उगती है। इसी तरह कभी धरती हमें बंजर दिखाई देती है, वैसे ही हमारा मन भी नीरसता भरा दिखाई देता है। कभी तो बहुत उत्साह होता है मन में और कभी मन बिल्कुल उदास रहता है। तो हमारा मन भी खाली मैदान सा है,
जब हमारा मन नीरसता से भरा होता है तो तब हमसे गाने भी आधे अधूरे से ही गाए जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमारा मन कभी किसी काम में नहीं रमता है, यानी कि जब मन किसी कारण से उदास होता है, हताश होता है, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, चाहे वो आपको गाना गाने को ही क्यों ना कह दिया जाए, है ना। तो कभी मानव मन को प्रेरित करता है कि मन रूपी धरती की अनुपजाऊ शक्ति को नष्ट करना होगा और व्यर्थ अनावश्यक भावों को मन रूपी धरती से खत्म करके मन रूपी खेत की धरती को हरा भरा करना होगा। अच्छा, हमारा मन ऐसा क्यों होता है, हमारा मन उदास क्यों होता है और क्यों हम उब जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में कुछ इस प्रकार के विचार आते हैं जिन विचारों के कारण हमारा मन उदास हो जाता है, नीरसता आ जाती है मन में, है ना, और हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो कवि कहता है कि ऐसे विचारों को हमें उखाड़ फेंकना है, अपने मन रूपी धरती से ऐसे विचारों को अंकुरित नहीं होने देना है। और मन रूपी खेत से अच्छी फसल पैदा होगी, हमें अपने मन रूपी जो खेत है उसमें अच्छी फसल को उपजाना है। ऐसे विचारों को जब हम हटा देंगे तो हमारा जो मन रूपी खेत है वो हरा भरा रहेगा, ठीक है। और मिट्टी में पड़ा बीज तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी में रस व्याप्त होता है, तो मिट्टी का रस ही बीज को पाल पोस कर विकसित करता है। इसी तरह हम भी अपने मन से खीज व ऊब को मिटाकर मन को सृजनात्मक भावों से भर दें, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा, तो हम कुछ नया करेंगे अपने जीवन में, कुछ नया अवश्य करेंगे। तो इसी तरह हम भी अपने मन में खींच को हटा देंगे, मिटा देंगे और सृजनात्मक सकारात्मक भावों को भर देंगे। तो इन सब का तात्पर्य है कि कवि नवनिर्माण संवेदनाओं भावों के लिए मन से खींच व ऊब को नष्ट करने की प्रेरणा दे रहा है, अपने मन से खींच ऊब और नीरसता को खत्म करने के लिए कह रहा है। तो उसकी टिप्पणी कुछ इस प्रकार से है कि कविता प्रयोगवादी शैली में लिखी गई है, कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार आया है। तो ये थी विष्णु खरे जी की कविता तोड़ो। तो कविता को आपने समझा बच्चों, आप एक बार खुद से पढ़ेंगे और उसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरी वीडियो में मैं लेके आऊँगी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर।